Marshmallows, आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है वन वीक फ्रेंड्स। दोस्तों ये मूवी जून 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है जिसमें रोमांस और सस्पेंस दोनों देखने को मिलते हैं। इसमें हम चार दोस्तों के बारे में जानेंगे जो एक दूसरे की दोस्ती को बहुत अच्छे से निभाते हैं। तो दोस्तों मूवी के फर्स्ट सीन में हम एक क्लासरूम देखते हैं जहाँ एक लड़की अपने दोस्तों से अर्थ के डिस्ट्रॉय होने के बारे में बात कर रही होती है। इस लड़की का नाम शेन है। इस सीन में शेन खुद को एक रोड पे खड़े इमेजिन करती है और आसमान से एक बहुत बड़ी सी फायर बॉल इसके ऊपर गिरने वाली थी, पर तभी एक स्मार्ट सा लड़का ली उसके सर पे बास्केटबॉल मार देता है। वो उसे कहता है कि तुम अपनी बातों से इतना पका क्यों रही हो। शेन को बहुत गुस्सा आता है और वो ली से दो दो हाथ करने जा रही थी, मगर तभी उनके टीचर क्लासरूम में आ जाते हैं और एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट मिया को क्लास से इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये लड़की इतनी सुंदर थी कि ली पहली नजर में देखते ही मिया का दीवाना हो जाता है और उसे ही देखता रहता है। इसी बीच शेन अपना बदला लेने के लिए ली की तरफ बास्केटबॉल फेंक कर टीचर से उसकी शिकायत कर देती है। क्या टीचर उसे डांटते हैं और पनिशमेंट देते हैं। ली शेन से बहस करने जा रहा था लेकिन मिया भी उसे देख रही थी, इसलिए वो चुपचाप रहता है। अगले सीन में ली और उसका दोस्त जॉन वॉशरूम की सफाई कर रहे होते हैं। तभी जॉन उससे पूछता है कि आखिर तुम उस नई ट्रांसफर स्टूडेंट मिया को बार बार क्यों घूर रहे थे, मगर ली इस बात से साफ इनकार कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब ली लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ रहा होता है तब जॉन उसे एक सीडी देता है और उसे बताता है कि इसमें ऐसे कई तरीके हैं जिनकी मदद से तुम किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकते हो। और वहाँ शेन भी आ जाती है और फिर से ली और शेन एक दूसरे से लड़ने लगते हैं, जिन्हें जॉन छुड़ाने की कोशिश करता है। अगले दिन ली उस सीडी में देखे तरीके की तरह मिया को जूस ऑफर करता है, मगर मिया उसे मना करती है। ली उसे इंसिस्ट कर रहा होता है और गलती से वो जूस की बोतल थोड़ी जोर से दबा देता है और उसकी व्हाइट यूनिफॉर्म खराब कर देता है। मिया को ली की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो वहाँ से जाने लगती है, मगर ली उससे माफी मांगने के लिए उसके पीछे पीछे भागता है और जैसे ही वो रुकती है तो उससे टकरा जाता है और वो उससे माफी मांगता है। इस बार क्लास चलते वक्त पीछे बैठा जॉन एक और प्लान को एग्जीक्यूट करता है, जिसके लिए वह मूवीज की लिस्ट बनाकर अपने दोस्तों की मदद से मियां तक पहुंचाता है, मगर मियां उस पेपर को पढ़ के सेड दिखती है। तभी उसके साइड में बैठी शेन क्लास टीचर को वो पेपर दिखाती है और ली की कंप्लेंट कर देती है। उनकी टीचर उस पर गुस्सा करती है, मगर ली उन्हें इग्नोर करने लगता है और तेज आवाज में अपनी बुक पढ़ने लगता है। अगले सीन में जब स्कूल की छुट्टी होती है तो ली मियां से डायरेक्ट बात करने के लिए उसके पीछे चल रहा होता है। शेन उसे देखकर मिया को परेशान करने से रोकने जाती है, मगर ली का फ्रेंड जॉन शेन को रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ता है तो शेन को उसका ये जेस्चर बिल्कुल एक रोमांटिक मूवी के हीरो की तरह लगता है और वो वही रुक जाती है। फाइनली ली मिया को एक लेटर देकर उसे कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मगर मिया उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बजाय उसका लेटर फाड़ देती है और उसे सुनाकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर शेन और जॉन भी हैरान थे। मिया घर वापस आकर सैड फील कर रही थी क्योंकि वो अकेली रहती थी। वो अपनी मॉम को फोन करके उनसे बात करती है। वहीं दूसरी तरफ ली को रियलाइज होता है कि शायद उसने मिया को बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल दिया था, इसलिए वो मिया से माफी मांग लेगा। मंडे को ली मिया से माफी मांगने के लिए जॉन के साथ उसके पास जाता है, मगर यहाँ कुछ अलग ही देखने को मिलता है। दरअसल मिया उससे बोलती है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पहचानती, मुझे तो तुम्हारा नाम तक पता नहीं। ली ये सब सुन के हैरान होता है और उसे बताता है कि हमने लास्ट फ्राइडे को ही तो बात की थी, मगर वो उसे बताती है कि मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ, तुम कौन हो इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है। ये सब शेन भी पीछे से सुन रही थी और उसे भी
मियाँ का ऐसे उन्हें नजरअंदाज करना बहुत अजीब लगता है। इसके बाद ली, शेन और जॉन तीनों मियाँ का पीछा करते हैं। मियाँ स्टेयर्स के पास बैठकर कुछ ड्रॉ कर रही थी। जब वो उनसे बात करती है तब शेन उससे पूछती है कि क्या मैं भी तुम्हें याद नहीं हूँ? याद है हम दो दिन पहले एक साथ बैठे थे और यहाँ हमें पता चलता है कि मियाँ के साथ एक हादसा हुआ था जिसके बाद से उसको अमनेशिया यानी लंबे समय तक याद न रख पाने की बीमारी है। वो उनसे कहती है कि इसी वजह से मैं अपने किसी भी दोस्त को एक हफ्ते से ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाती हूँ, मुझे सिर्फ मेरी मोम याद रहती है। ये सुन के वो पूरी तरह शॉक हो जाते हैं। मियाँ उन्हें कहती है कि अगर तुम चाहते हो तो मैं तुमसे दोस्ती करने को तैयार हूँ, मगर 7 दिन बाद मैं तुम में से किसी को याद नहीं रख पाऊंगी। ये सुन के शेन और जॉन उससे बोलते हैं कि हम तुम्हारी बात को कैसे मान ले, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई प्रूफ है? अपनी बात साबित करने के लिए मियाँ उन्हें अपनी डॉक्टर की दवाइयाँ दिखाती है और उन्हें कहती है तुम्हें मुझसे दोस्ती करने की जरूरत नहीं है, मुझे अकेले रहने की आदत पड़ गई है, मैं तुम्हें याद भी नहीं रख सकती और ऐसी दोस्ती का क्या फायदा। ये सुनकर ली कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे और जब भी 7 दिन पूरे हो जाए तो हम तुम्हें फिर से याद दिला देंगे, इससे तुम्हारी अमनेशिया से भी रिकवरी हो सकती है। इसके बाद मियाँ वहाँ से चली जाती है और वो शेन और जॉन से उसकी हेल्प करने को कहता है। अगले सीन में ली मियाँ को उन सभी फूड इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताता है जिनसे ब्रेन की मेमोरी शार्प होती है और क्लास में भी अपनी सीट से उसे देखता रहता है, मगर कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर एक दिन ली अपनी साइकिल की चेन सही कर रहा होता है और इसी वक्त मियाँ उस रोड से गुजर रही होती है। अचानक ली की उंगली पे चोट लग जाती है और खून निकलने लगता है। इसे देखकर मियाँ उसकी चोट पे दवाई लगा देती है। ली उसे थैंक्स कहकर एक बुक देता है जिसमें सुडोकू पजल जैसी ब्रेन बूस्टर गेम्स थी। मियाँ उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि इन सब से कोई फर्क पड़ेगा। इसके बाद ली मियाँ को अपने साथ बुक स्टोर पे ले जाता है और उसे एक डायरी देता है और खुद भी एक डायरी लेता है। ली कहता है कि अब से हम दोनों अपनी डेली एक्टिविटीज लिखकर अपनी डायरीज को एक्सचेंज किया करेंगे ताकि तुम्हें सब कुछ याद करने में आसानी हो। अगले दिन स्कूल में वो मियाँ को अपनी सीक्रेट प्लेस पे ले जाता है जो कि मोस्टली खाली रहती थी। इसके बाद मंडे आता है और वही होता है, यानी मियाँ उन सबको भूल जाती है, मगर ठीक प्लान के अकॉर्डिंग वो उसे पिछली बातें याद दिलाते हैं और प्रूफ के तौर पर उसे डायरी दिखाते हैं। फाइनली उनका प्लान काम कर जाता है और मियाँ को उनकी बात पर यकीन हो जाता है। इसके बाद ये लोग इसी तरह कुछ वीक्स तक फ्रेंडशिप को इंजॉय करते हैं और इसी जगह आकर एक साथ एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करते हैं। देखते ही देखते उनके एग्जाम्स खत्म हो जाते हैं, इसलिए वो चारों एक साथ रेस्टोरेंट जाकर फोटोज क्लिक करते हैं और मियाँ को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा फील होता है। अगले दिन ली स्कूल में ही सो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो वहाँ कोई भी उसके साथ नहीं था। उसे बहुत बुरा लगता है कि किसी ने उसे उठाया तक नहीं। फिर वो अपनी सीक्रेट प्लेस पे जाता है मगर वहाँ भी अंधेरा था और उसे समझ नहीं आता कि उसके दोस्त कहाँ चले गए। तभी कमरे की लाइट्स जलती है और उसके दोस्तों ने उसके लिए कमरा लाइट्स से डेकोरेट किया हुआ था, मगर ली कहता है कि मेरा बर्थडे तो 3 दिन बाद है। वो उसे सरप्राइज करने के लिए उसके बर्थडे से पहले ही उसके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करते हैं। मियाँ उसे कोई भी 3 विश मांगने को कहती है जिसके बाद वो 2 विश मांग चुका था, मगर तीसरी और आखिरी विश मांगने से पहले ही स्कूल का गार्ड उस कमरे की तरफ आ रहा था, इसलिए वो चारों वहाँ से भागने लगते हैं ताकि किसी को उनके सीक्रेट बेस का पता ना चले। शेन और जॉन एक साथ लाइब्रेरी में छुप जाते हैं और ली और मियाँ एक साथ स्विमिंग पूल की तरफ जाते हैं। ली अपने फ्रेंड जॉन को मैसेज करके वहाँ आने को कहता है, मगर शेन उसे वही लाइब्रेरी में रुकने को कहती है क्योंकि शेन जॉन को पसंद करने लगी थी। इसी बीच मियाँ और ली इनका इंतजार कर रहे होते हैं। मियाँ ली को एक कपकेक पे कैंडल्स बुझाने और अपनी तीसरी विश मांगने को कहती है। यहाँ ली उसे प्रपोज करके कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुमसे बहुत प्यार भी करता हूँ, तुम जब मेरे आसपास होती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सुनकर मियाँ शॉक हो जाती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो केक को वहीं रखकर वहाँ से चली जाती है। शायद मियाँ ने ऐसे विश के बारे में एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। अगले मंडे को ली मियाँ के पास जाकर उससे बात करता है, मगर मियाँ उसे भूल चुकी थी। वो हर बार की तरह उसकी डायरी निकालने को कहता है। जवाब में मियाँ कहती है कि मेरे पास कोई डायरी है ही नहीं और तुम कौन हो। ली बिना पूछे उसके बैग को चेक करने लगता है, मगर मियाँ उस पर गुस्सा करती है और उसे कहती है कि तुम अपने काम से काम रखो
देखो, मुझे पढ़ाई करने दो। जॉन और शेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चल रहा है। ली मिया को उनकी सीक्रेट प्लेस पे ले जाता है, मगर वहाँ का दरवाजा लॉक हो रखा था। ली उसे तोड़ने की कोशिश करता है। इसके अलावा शेन उसे उनकी फोटोज दिखाती है, मगर मिया उसे कहती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम ये सब करके मेरा और अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। वहाँ ली को कुछ समझ नहीं आता और वो रास्ते में डायरी ढूंढने की कोशिश करता है, मगर इसी बीच उसे मियाँ का कॉल आता है। ली को लगा था कि मियाँ को सब याद आ गया, मगर मियाँ उसे कहती है कि मेरे फोन में लास्ट डायल नंबर तुम्हारा था, इसलिए मैंने कॉल किया। इतने में शेन और जॉन भी उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करते हैं। मियाँ उन्हें कहती है, मुझसे दोस्ती की उम्मीद ना ही रखो तो ही बेहतर है, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कर दो। तभी अचानक ली को चक्कर आ जाता है। अगले सीन में ली की मोम भी वहाँ थी। वो शेन और जॉन से बात करके उन्हें बताती है कि चिंता मत करो, ली की कंडीशन पहले से बेहतर है, डॉक्टर ने उसे रेस्ट करने को कहा है। के बाद ली की मोम मियाँ से भी बात करती है। मियाँ उनसे पूछती है, क्या आप अभी भी उससे सच छुपाना चाहती हो। वो उससे बात करते वक्त कहती है कि पुरानी बातें याद दिलाने से ना उसका फायदा है और ना ही तुम्हारा, हो सके तो प्लीज उसे पुरानी बातें याद मत दिलाना। अगले सीन में हम देखते हैं कि मियाँ के पास वो डायरी भी पड़ी थी जो ली ने उसे दी थी, और वो उसमें आज के दिन हुई बातें भी लिखती है। इसके बाद स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें कुछ साल पहले की मियाँ क्लास में अपनी दोस्त जिया के साथ दिखाई देती है। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और इसी स्कूल में ली भी पढ़ता था। मियाँ की दोस्त जिया को ली बहुत अच्छा लगता था, उसने मियाँ को इस बारे में बताया हुआ था, इसलिए मियाँ अपनी दोस्त की मदद भी किया करती थी। वो तीनों एक साथ मजे भी किया करते थे। इसके बाद स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है और मियाँ उस डायरी को इमोशनल होकर देख रही थी। अगले मंडे को मियाँ जब स्कूल जाती है तो वो शेन और जॉन की बातों को नजरअंदाज कर देती है। जॉन उसकी रियल आइडेंटिटी जानने के लिए लाइब्रेरी जाकर स्टूडेंट्स की डिटेल्स चेक करता है और यही उसे पता चलता है कि ली और मियाँ दोनों सेम स्कूल से ट्रांसफर होकर आए थे। इसके बाद जॉन और शेन सीधा मियाँ से जाकर बात करते हैं। जॉन उससे पूछता है कि तुम हमसे क्या छुपा रही हो, मगर मियाँ उनकी बात को टाल रही थी, इसलिए जॉन उसे लाइब्रेरी से लिया हुआ डॉक्यूमेंट दिखाकर एक बार फिर सवाल करता है। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें एमनेशिया नहीं है, और उसे जिया को लेकर सवाल करता है। अपनी बेस्ट फ्रेंड का नाम सुनते ही मियाँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फाइनली मियाँ उन्हें बताती है कि उसे कोई बीमारी नहीं है और वो ली को पहले से ही जानती है। जिस हादसे के बारे में उसने उन्हें बताया था उसमें चोट उसे नहीं बल्कि ली को लगी थी। दोस्तों अब ये स्टोरी उस दिन पर पहुँचती है जब मियाँ और उसकी फ्रेंड जिया दोनों ही झील में एक बोट में बैठी थी। यही वो दिन था जब जिया ने अपने लेटर में ली के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। जिया ने वो लेटर फ्रूट बकेट के अंदर रखा था और वो ली के उसे पढ़ने का इंतजार कर रहे थे। तभी जिया को ली की आवाज सुनाई देती है और वो एक्साइटमेंट में बोट पे खड़ी हो जाती है। अचानक उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और उनकी बोट पलट जाती है। ये देखते ही ली पानी में छलांग लगाता है। वो मियाँ को तो बोट पे चढ़ा देता है, मगर उसे जिया कहीं नहीं नजर आ रही थी। सांस लेने के लिए ऊपर आते वक्त ली का सिर बोट से टकरा जाता है। इस हादसे के बाद जिया नहीं बच पाई और ली कोमा में चला गया था। उसकी क्लास के स्टूडेंट्स मियाँ को इन सब का जिम्मेदार समझते थे क्योंकि एक वही थी जिसे कोई चोट नहीं आई थी। कुछ दिनों बाद जब ली को होश आता है तब डॉक्टर्स उसकी मदर को बताते हैं कि उसके सिर पे जो चोट लगी थी उसके चलते ली को एमनेशिया हो गया है, यानी उसके साथ बीते कुछ दिनों में क्या हुआ उसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। बेहतर यही रहेगा कि हम में से कोई उससे उस इंसिडेंट के बारे में बात ना करे। मियाँ ली से मिलने हॉस्पिटल आती है तो उसे देखते ही ली की हालत खराब हो जाती है और उसके सर में दर्द होने लगता है। इसके बाद ली की मोम उसे लेकर उस जगह से काफी दूर चली गई थी और उसके स्कूल का ट्रांसफर करवा दिया था। जाने से पहले उन्होंने मियाँ से रिक्वेस्ट की थी कि वो उनसे कॉन्टेक्ट ना करे। मियाँ के लिए ये सब बहुत ज्यादा बुरा था। उसे उसके दोस्त जिया की बहुत याद आती थी और स्कूल में भी उसे परेशान किया जाता था, जिसकी वजह से वो अपने एग्जाम्स की तैयारी भी ठीक से नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने स्कूल से ट्रांसफर लेकर इस स्कूल में आई थी। मगर जब वो वहाँ ली को देखती है तो सरप्राइज भी थी और उससे वापस मिलकर अंदर से खुश भी थी। जिस दिन ली ने उसे रोककर उससे दोस्ती करने को कहा था तो वो घर आकर बहुत रोई भी थी।
क्योंकि उसके लिए ली से अपनी आइडेंटिटी छुपाना बिल्कुल भी आसान नहीं था और उसे जिया की याद भी आती थी। लेकिन ली के लगातार उससे दोस्ती बनाने की वजह से वो भी उसकी दोस्ती को एक्सेप्ट कर लेती है, मगर वो ली को हर्ट नहीं करना चाहती थी। और तो और उसे लगता था कि ली जिया से प्यार करता था, इसलिए वो उस डायरी को छुपा देती है और उस सीक्रेट रूम को भी लॉक कर देती है। इसके बाद स्टोरी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ यह सब जानने के बाद जॉन और शेन अपने शक करने के लिए उससे माफी मांगते हैं और शेन उसे हक करके कहती है, तुम्हें खुद को इन सब का जिम्मेदार मानने की कोई जरूरत नहीं है। माना जो हुआ वो बहुत बुरा था, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। जॉन भी उसकी बात से सहमत था। कुछ महीनों बाद उनके सेमेस्टर एग्जाम्स के रिजल्ट्स आते हैं। शेन और जॉन अब एक दूसरे को डेट कर रहे थे। शेन विदेश जाकर आगे की पढ़ाई करने की बात करती है और जॉन भी उसके बात मान जाता है और उसे मन लगाकर पढ़ने को कहता है। अगले सीन में स्कूल के स्विमिंग पूल के पास जॉन और ली कुछ बातचीत करते हैं। दरअसल ली जॉन को बताता है कि वो मिया से पूछकर सेम कॉलेज में एडमिशन लेगा ताकि उसकी मदद कर सके। यहाँ जॉन ली को अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मिया को भूलने के लिए कहता है। वो कहता है, तुम ऐसी लड़की का साथ देकर खुश नहीं रह पाओगे, उसे तो तुम याद तक नहीं होगे। मगर ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जॉन से दो दो हाथ करने लगता है और दोनों पुल में गिर जाते हैं। दोस्तों, इस पुल से बाहर निकलते ही ली की याददाश्त वापस आ जाती है और वो जिया के बारे में पूछने लगता है। वो सीधा मिया के घर जाता है, मगर वो तो कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। ली उसका नंबर ट्राई करता है, मगर कोई फायदा नहीं था क्योंकि मिया ने रास्ते में ही अपना सिम कार्ड तोड़ दिया था। ली को बहुत हेल्पलेस फील होता है। तभी जॉन उसे सब सच बताता है। उन्होंने ये सब इसलिए ली से छुपाया था क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके दोस्त को कुछ हो न जाए। इसके बाद ली जिया के ग्रेव पे जाता है और जब वो वहाँ से जा रहा होता है तो उसे जिया का भाई मिलता है। वो उसे अचानक देखकर हैरान था और उसे अपने घर लेकर जाता है। इसके बाद जिया के पेरेंट्स उसे अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताते हैं। इसी बीच जिया का भाई उसे वो फोटोज देता है जिन्हें जिया ने अपने पास संभाल कर रखा था और हाँ, साथ ही उसका ली के लिए लिखा लव लेटर भी उसे देता है। धीरे धीरे ली को सब समझ आने लगता है। जिया के पेरेंट्स उसे उनके साथ डिनर करने को कहते हैं और उसे अपनी लाइफ को बिना किसी रिग्रेट्स के साथ खुशी खुशी स्पेंड करने की बात कहते हैं। अगले सीन में मिया अपने रूम में थी और तभी उसे ली का भेजा हुआ पार्सल मिलता है जिसके अंदर ली की डायरी थी, जिसमें उसने अपने उन दिनों के बारे में भी लिखा था जब उसने जिया से दोस्ती की थी। दरअसल ली जिया से नहीं बल्कि मिया से ही प्यार करता था। उसने जिया से दोस्ती इसलिए की थी ताकि उसके थ्रू वो मिया को जान सके। उसमें उसने लिखा था कि मैं कुछ ही दिन पहले जिया के मॉम डैड से मिला था। मुझे नहीं पता था कि मेरे जिया से हुई दोस्ती को सब प्यार समझ बैठेंगे। असल में तब भी मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी तुम्हें ही पसंद करता हूँ। अगर तुम्हें भी मेरी याद आ रही हो तो तुम उससे मिलने वापस जरूर आना। ये सब पढ़कर मिया बहुत इमोशनल हो जाती है। कुछ दिनों बाद मिया ली से मिलने उसके घर जाती है, मगर वहाँ ली नहीं सिर्फ उसकी मॉम थी। उसकी मॉम उसे ली से दूर करने के लिए उसे माफी मांगती है और उसे बताती है कि ली एस्ट्रोनॉमी क्लास में गया है। मिया सीधा वहाँ जाती है, मगर उनकी सीक्रेट प्लेस का डोर लॉक था। मिया को कुछ समझ नहीं आता। वो इधर उधर देखती है और तभी ली की आवाज आती है और वो उससे अपनी दिल की बात कहता है। इसी बीच वो अपनी दोस्त जिया को भी याद करते हैं। इसके बाद ये चारों मिलकर शाम को एक साथ बैठकर खूब सारी बातें करते हैं और इसी के साथ आज की ये प्यारी सी मूवी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।